नमस्ते दोस्तों। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि किया लेना चाहिए या फिर सेल्टॉस, मतलब कि आगे सेल्टॉस या फिर क्रिएटा लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट ख़त्म हो जाने वाला है, क्योंकि जितना भी इन सबका आपको फीचर्स मिलता है या फिर आपको इंजन कैपेसिटी मिलता है, सारा कुछ डिटेल आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। और लास्ट में ये भी बताएंगे कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, और इतना ही नहीं आपको प्राइस भी बताएंगे, ऑन रोड प्राइस क्या होने वाला है इन दोनों गाड़ियों का। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो में आपको मैं इस गाड़ी का वेरियंट्स बताता हूँ। तो एक साइड होने वाला हमारा हुंडई की क्रिएटा, जिसका दोस्तों मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा SX डीजल ATDT। और वहीं बात करें किया सेल्टॉस की, तो दोस्तों किया सेल्टॉस में आपको एक्स लाइन डीजल AT देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर बताऊं तो दोनों की दोनों जो गाड़ी हैं डीजल वेरिएंट में होने वाली है। तो क्या होता है इसका प्राइस और क्या क्या आपको इसमें पावर फीचर्स मिलता है, चलिए वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इस गाड़ी के इंजन टाइप के बारे में। तो दोस्तों आपको हुंडई क्रिएटा में देखने को मिल जाएगा 1.5 लीटर U2 CRDI का इंजन। वही बात करें किया सेल्टॉस की, तो किया सेल्टॉस के अंदर 1.5 ICRDI VGT आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इंजन दोनों का ठीक है, काफ़ी अच्छा इंजन है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी देने वाला है। और बात करें इंजन CC की, तो दोस्तों इसमें आपको हुंडई क्रिएटा में देखने को मिलने वाला है 1493 CC का इंजन। वही बात करें किया सेल्टॉस की, तो सेल्टॉस में आपको देखने को मिल जाएगा 1493 की। तो दोनों में सेम टू सेम आपको पावर देखने को मिल जाएगा इंजन का। और नंबर ऑफ सिलेंडर की बात करें, तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन देखने को मिलने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंजन पावर बिल्कुल आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, इसमें कोई भी आपको कमी देखने को नहीं मिलती। चलिए बात कर लेते हैं मैक्सिमम पावर की, क्या आखिरकार पावर जनरेट करती है, क्योंकि आपको ट्रैफिक हो या फिर दोस्तों ओवरटेकिंग का टाइम हो तो उस टाइम पावर भी मेन मैटर करता है गाड़ी का। तो मैक्सिमम पावर की बात करें, तो दोस्तों क्रिएटा जो गाड़ी है वो आपका 114 BHP का आपको पावर देने वाला है 4000 RPM पर। और वहीं बात करें दोस्तों किया सेल्टॉस की, तो सेल्टॉस भी आपको 114.41 BHP का देने वाला है 4000 RPM पर। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो किया सेल्टॉस है थोड़ी सी बाजी मारती है, मतलब 1% के आसपास बाजी मारती है, ठीक है, क्रिएटा के आगे सेल्टॉस। और वही बात करें मैक्सिमम टॉर्क की, तो दोस्तों टॉर्क आपको हुंडई में देखने को मिल जाएगा, हुंडई क्रिएटा में देखने को मिल जाएगा 250 Nm का, 1500 से लेकर के 2750 RPM के आसपास। और वही बात करें सेल्टॉस की, तो सेल्टॉस में आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है 250 Nm, जो कि 1500 से लेकर के 2750 RPM पर देखने को मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर दोनों का सेम टू सेम आपको टॉर्क देखने को मिलने वाला है, तो इसमें कोई भी दोस्तों चेंजेस नहीं है। और बल्ब की बात करें, तो बल्ब आपका क्रिएटा में लगता है दोस्तों DOHC, और किया सेल्टॉस की बात करें तो उसके कोई अपडेट नहीं है। और मैं आपको दोस्तों फ्यूल सप्लाई तो बता ही दिया था, CRDI का देखने को मिल जाएगा। टर्बो चार्ज की बात करें, तो जी हाँ, दोनों के दोनों गाड़ी आपको टर्बो चार्ज देखने को मिल जाता है। और ट्रांसमिशन टाइप की बात करें, तो दोनों के दोनों गाड़ी जो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलने वाला है। तो एवरेज तो मिला जुला के दोनों का दोनों सेम ही आपको देने वाला है। साथ ही साथ गियर के बारे में बताऊँ, तो ट्रांसमिशन दोस्तों ऑटोमेटिक होने के साथ भी 6 speed AT आपको गियर जो होता है वो आपको देखने को मिलने वाला है। कुल मिला के आपका 6 गियर लगने वाला है गाड़ी के अंदर। और ड्राइव टाइप की बात करें, तो FWD आपको दोनों के दोनों गाड़ी में देखने को मिल जाती है। और फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें, तो दोनों डीजल गाड़ी है, जो कि बताई दिया था। और माइलेज की बात करें, तो दोस्तों इन गाड़ी की कंपनी माइलेज क्लेम करती है 19.1 किलोमीटर पर लीटर की, जो कि दोनों की सेम टू सेम ही है। और बात करें फुल टैंक, मतलब फुल टैंक कितने लीटर्स की है, तो दोस्तों 50 लीटर की आपको क्रिएटा के अंदर फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। और किया सेल्टॉस की बात करें, तो उसमें भी सेम टू सेम आपको 50 लीटर का ही देखने को मिलने वाला है। और इंजन की बात करें, तो दोस्तों VS6 2.0 इंजन आपको दोनों के दोनों गाड़ी में देखने को मिलने वाला है। और वहीं टॉप स्पीड की बात करें, तो दोस्तों हुंडई क्रिएटा का आपको देखने को मिल जाएगा 160 टॉप स्पीड, और किया सेल्टॉस की बात करो तो 170 के आसपास आपको इसका देखने को मिल जाता है टॉप स्पीड। तो यहाँ पर किया सेल्टॉस बाजी मार जाती है दोस्तों। और सस्पेंशन सब के बारे में तो मैं ज़्यादा डीपली डिटेल्स नहीं दूंगा, अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा डीपली डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका अलग से आपको वीडियो बना करके दे दूंगा। ब्रेकिंग के बारे में बता दूँ, तो दोस्तों इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट में जो ब्रेक होता है, दोनों के दोनों गाड़ी का जो फ्रंट का ब्रेक है आपको डिस्क ब्रेक में देखने को मिल जाएगा। और वहीं रियर ब्रेक की बात करें, तो रियर आपको दोनों में दोस्तों डिस्क ही देखने को मिल जाएगा। तो आगे पीछे दोनों चारों टायर में आपको डिस्क ही देखने को मिलता है। और वहीं बात कर लीजिए दोस्तों टायर साइज़ की, तो आपका जो क्रिएटा है उसमें 17 इंचेस का टायर साइज़ देखने को मिल जाएगा, 215/60 R 17 देखने को मिलता है। और वहीं बात करें किया सेल्टॉस की, तो दोस्तों किया सेल्टॉस में आपको 215/55 R 18 आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब 18 इंचेस का आपको इसमें टायर देखने को मिल जाता है। तो टायर के मामले दोस्तों किया की जो गाड़ी है आपको थोड़ा बड़ा टायर दे रही है।
और बात करें ट्यूबलेस टायर की, तो जी हाँ, दोनों के दोनों गाड़ी में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अभी के टाइम में देखा जाए तो आम बात हो चुका है। और एलोएस की बात करें तो एलोएस साइज भी दोस्तों वही सेम आपको होने वाला है, क्रिएटा का 17 और आपका सेल्टॉस का 18 देखने को मिलने वाला है। और बात करें दोस्तों इस गाड़ी के हाइट लेंथ के बारे में, तो दोस्तों लेंथ के बारे में आपको बताऊं तो इस गाड़ी के अंदर आपको लेंथ देखने को मिल जाएगा क्रिएटा का, जो आपको 4330 का, और वहीं बात करें सेल्टॉस की तो सेल्टॉस में आपको 4365 का देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल्टॉस जो आपको क्रिएटा से बड़ा बन जाता है गाड़ी। और वेथ की बात करें तो आपको 1790 का देखने को मिल जाएगा क्रिएटा में, वहीं बात करें सेल्टॉस की तो सेल्टॉस में आपको 1800 का देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी बाजी मार जाती है हमारी किया कि सेल्टॉस। और बात करें हाइट में, तो हाइट में आपको 1635 का देखने को मिल जाएगा हुंडई की क्रिएटा, और वही बात करें सेल्टॉस की तो सेल्टॉस आपको 1645 का देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं बड़ी आपकी सेल्टॉस ही बन जाती है। साथ ही साथ ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 190 nm का आपको क्रिएटा में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा, और वहीं सेल्टॉस की बात करें तो 180 nm का आपको सेल्टॉस में ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ना ही ज़्यादा है ना ही कम है। और बात करें दोस्तों इसमें सीटिंग कैपेसिटी की, तो दोनों गाड़ी के अंदर आपको 5 सीट देखने को मिल जाता है, 5 लोगों को बहुत आराम से आप गाड़ी के अंदर बैठा सकते हैं। और बूट स्पेस की बात करें तो दोस्तों 433 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, लगभग दोनों गाड़ी का इक्वली आपको बूट स्पेस देखने को मिलने वाला है। और नंबर ऑफ डोर में आपको बताऊँ तो दोनों के दोनों गाड़ी में आपको 5 डोर देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पता ही है डोर हो गया और पीछे एक जो बूट होता है आपका 5 हो जाता है। पावर स्टेयरिंग की बात करें तो जी हाँ, गाड़ी के अंदर आपको पावर स्टेयरिंग देखने को मिल जाता है। पावर विंडोज़ की बात करें तो वो भी आपको देखने को मिलने वाला है, वो चाहे रियर की बात करें या फिर दोस्तों फ्रंट की बात करें, दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स की बात करें तो 2 जोन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों के दोनों गाड़ी में सेम टू सेम है। और एयर क्वालिटी कंट्रोल्स की बात करें तो दोनों में आपको देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताऊँ रिमोट इंजन स्टार्ट एंड स्टॉप है या नहीं, तो जी हाँ, दोनों गाड़ी के अंदर आपको ये जो फीचर्स है ना कमाल का, ये आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। तो फीचर्स ऐसे मैं बताऊँ तो फीचर्स के बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि इक्वल आपको फीचर्स लगभग दोनों गाड़ी में देखने को मिलेगी, क्योंकि हुंडई की गाड़ी भी लग्जरी है और आपका जो किया है वो भी लग्जरी है, तो दोनों में आपको फ़ीचर्स के मामले में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ बात करें ट्रंक लैंप की, तो जी हाँ, दोनों गाड़ी के अंदर आपको ट्रंक लैंप भी देखने को मिल जाता है। वैनिटी टी मिरर की बात करें तो जी हाँ, दोनों गाड़ी के अंदर आपको सेम देखने को मिलने वाला है। और रियर रीडिंग लैंप की बात करें तो जी हाँ, वो भी आपको मिल जाएगा। रियर हेडरेस्ट गाड़ी के अंदर लगा है, एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दोनों में देखने को मिल जाता है। और मैं आपको बताऊँ तो आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा, वो चाहे रियर की बात करें या फिर आगे की बात करें, तो दोनों में देखने को मिल जाएगा। हेडलाइट जो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाएगा, और सीट बेल्ट जो अलार्म लॉकिंग होता है वो सब आपको देखने को मिल जाता है। कफ होल्डर आपको फ्रंट में दोनों गाड़ी के अंदर मिलने वाले हैं। एसी वेंट्स आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों काफ़ी अच्छा है गाड़ी, मल्टी फंक्शन आपको स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाएंगी, जो कि दोनों के दोनों गाड़ी की सेम टू सेम ही है। चलिए फीचर्स तो मैं आपको ज़्यादा नहीं गिनवाता हूँ। बात करें इस गाड़ी के प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये जो गाड़ी है आपका हुंडई क्रिएटा, उसका आपको प्राइस शोरूम प्राइस देखने को मिल जाता है 23,81,816 रुपये। वहीं बात करें ऑन रोड की, तो ऑन रोड दोस्तों ये जो गाड़ी आपका होते होते चला जाने वाला है, इस गाड़ी का प्राइस कुल मिलाकर के, तो दोस्तों इस गाड़ी का आपको कुल मिलाकर के ऑन रोड प्राइस चला जाता है, सॉरी दोस्तों ऑन रोड प्राइस इसका आपका 23,81,000 होने वाला है। और गाड़ी का प्राइस अगर शोरूम प्राइस की बात करें तो 20,15,000 रुपये के आसपास इसका शोरूम प्राइस है, और आपका ऑन रोड होते होते 23,81,816 रुपये पड़ जाएगा, जो कि हुंडई क्रिएटा की है। और सेल्टॉस की बात करें तो सेल्टॉस का दोस्तों आपका शोरूम प्राइस देखने को मिल जाएगा 20,35,000, और वही बात करें ऑन रोड, तो ऑन रोड आपको ये पड़ जाएगा 24,05,331 रुपये। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप दोनों में से कौन सा गाड़ी को बाई करना चाहते हैं। वैसे मैं मेरी तरफ से अगर आप ओपिनियन लेना चाहते हो कौन सा गाड़ी बेस्ट होने वाला है, तो आप सेल्टॉस पे जा सकते हो। सेल्टॉस हर चीज़ में बेस्ट है, किया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा टक्कर में भी है, और लगभग इंजन आपको सेम टू सेम ही मिलता है, तो इंजन के बारे में तो बिल्कुल भी मत ही सोचिएगा। तो आज किस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।